पीड़िता का मेडिकल एग्जामिनेशन आज कंप्लीट कराया गया, साथ ही न्यायालय में उसका बयान कराया गया जिसमें उसने दुष्कर्म की बात कही है। इसमें विवेचना में अब दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाई जाएंगी। इसके माता पिता है आरोप लगाए हैं। इसमें माता पिता ने यह बताया कि इसकी बुआ जो है इनकी लड़की को लेके आई थी और इस घटना के संबंध में इनको कोई जानकारी नहीं थी। जब और इनकी बुआ को जांच के क्रम में बुलाया गया था बयान के लिए, तो ये आए नहीं है इनकी। जो एक मामला तकरार कल से चल रहा था, उसमें अब तक क्या सामने आया और क्या कार्रवाई की गई और क्या आगे की जाएगी? पीड़िता का मेडिकल एग्जामिनेशन आज कंप्लीट कराया गया, साथ ही न्यायालय में उसका बयान कराया गया जिसमें उसने दुष्कर्म की बात कही है। इसमें विवेचना में अब दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाई जाएंगी और साथ ही जो कल इसके साथ जो बुआ थी उसके बारे में भी जो इसके माता पिता है आरोप लगाए हैं। इसमें माता पिता ने यह बताया कि इसकी बुआ जो है इनकी लड़की को लेके आई थी और इस घटना के संबंध में इनको कोई जानकारी नहीं थी। जब पुलिस ने इनको संपर्क किया तब इनको इसके संबंध में पता चला और इस बुआ के संबंध में भी इन्होंने तहरीर दिया, उसको विवेचना में शामिल किया गया और इनकी बुआ को जांच के क्रम में बुलाया गया था बयान के लिए, तो ये आए नहीं है। इनकी तलाश की जा रही है। इनका जो अभी तक का कार्य रहा है वो संदिग्ध है, इन पे भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ कर और जो भी अन्य तथ्य आएंगे उस पर विधिक कार्रवाई रिपोर्ट करेंगे। सर, फॉरेंसिक टीम आज जांच करने गई थी, तो क्या क्या कलेक्ट किया है फॉरेंसिक टीम ने? ये घटनास्थल का निरीक्षण फॉरेंसिक टीम द्वारा किया गया है, उसमें जो भी विधिक कार्रवाई है वो पूर्ण करेंगे। ये विवेचना का पार्ट है और जो विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण की जानी चाहिए वो की जा रही है। सर, बुआ को जो आरोपी बनाया गया था इनकी गिरफ्तारी के लिए कुछ टीमें लगाई गई हैं क्या? ये कल ये बुआ लड़की के साथ आए थे जिनके कल मुकदमा लिखा गया था। कल जब मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया गया था लड़की को तब उसके बाद से उसमें विघ्न डालने लगे थे, तभी से थोड़ा इनके क्रियाकलापों पर संदिग्धता थी। बट क्योंकि कल यही पीड़िता के साथ थी तो परिस्थिति के अनुसार कार्य किया गया। आज इनके माता पिता जो बाहर रहते हैं वो आए, जब अपनी लड़की से उन्होंने बातचीत करी उसके बाद आज की मेडिकल एग्जामिनेशन और न्यायालय के सामने जो बयान है उसको पूर्ण कराया गया और जो स्थिति थोड़ी और क्लियर हुई है। इसमें जो इसकी बुआ है उसका रोल संदिग्ध प्रतीत होता है, उसकी इस समय उनको बयान के लिए बुलाया गया था वो आए नहीं और उनकी तलाश की जा रही है। इसमें विधिक कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी। धन्यवाद सर।